तो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। गाइज, अभी हम गांव से बाहर आ गए हैं और इस समय हाईवे पे हैं। गाइज, अभी चल रहे हैं खेत पर, जो कल का बचा हुआ धान था उसे है काटना। और देख सकते हैं गाइज, मौसम आज कितना अच्छा है। देखिए, थोड़ा थोड़ा बादल है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइज, अभी हम अपने खेत पर आ गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन दोनों खेत की कटाई कल हो गई थी। आज हमें ये पेड़ वाले खेत की कटाई करनी है, जिसमें हमारा आम का पेड़ लगा हुआ है। तो चलो अभी धान की कटाई शुरू करते हैं। सो गाइज, अभी हम खेत से घर आ चुके हैं और आने के बाद तुरंत नहाए धोए, फ्रेश हुए और अभी खाना भी खा चुके हैं। तो चलो अभी थोड़ा बाहर घूमने चलते हैं। सो गाइज, अभी हम आ गए हैं पोखरे की तरफ और यहाँ पे हवा काफ़ी अच्छा लग रहा है। घर पे जब लाइट नहीं रहती है तो वहाँ पे तो बहुत गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे हवा चलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा गाइज, यहाँ पे शांति बहुत रहती है, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं, एकदम साइलेंट, सिर्फ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आती है और कुछ नहीं। और गाइज, आप देख सकते हैं पोखरे के चारों तरफ से पेड़ लगे हैं, बिल्कुल देख सकते हैं चारों तरफ। ये देखिए, आगे मंदिर है, उधर भी पेड़ है और इसके चारों तरफ से पेड़ लगे हुए हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बीच में तालाब, इसके तो क्या ही कहने हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है सब, बहुत ही अच्छा मनमोहक दृश्य है यहाँ का। गाइज, ये देखिए मछलियाँ कितना ज़्यादा हैं, ये सब भाग रही हैं। देखिए बुलबुला के पूरा भाग रही हैं, सब भाग गई। बहुत ज़्यादा मछली हैं गाइज इस तालाब में। देखिए पानी में बुलबुल कर रही हैं सब मछलियाँ हैं, बट ये है गाइज सब छोटी छोटी हैं। जो बड़ी वाली हैं वो सब बीच में ही रहती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं। गाइज, वहाँ कोने पर बहुत ज़्यादा मछली इकट्ठा हुई है, चलो देखते हैं। अभी देखिए सब भागेंगे किस तरह से। ये देखिए सब भाग रही हैं। ये देखिए सब बुलबुला के भाग गई। सो गाइज, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30, तो अभी हम चलते हैं घर के लिए, बिकॉज लाइट भी आ चुकी है। सामने यहाँ पे एक पोल लगा हुआ है लाइट का, तो उस पर एक बल्ब लगा है और वो जल रहा है, मतलब लाइट आ चुकी है। तो चलो अभी चलते हैं घर। गाइज, वो देखिए पराली बिजली के तार पर किस तरह से लटकी हुई है। देखिए पता नहीं कैसे वहाँ तक पहुँच गई है। ये खंभा है और ये देखिए बिजली का तार आया हुआ, और यहाँ पे देखिए पराली लटकी हुई है सब। वहाँ देख सकते हैं कंबाइन चल रही है, अभी धान की कटाई भी मशीन के द्वारा शुरू हो चुकी है। गाइज, धूप बहुत तेज़ है आज, धूप में जाते एकदम पूरा सर चकराने लग रहा है, इतना तेज़ धूप है आज। पेड़ के नीचे आने पर एकदम ठंडक ठंडक फील होने लग रहा है, काफ़ी अच्छा लगता है। इसीलिए कहते हैं सेव ट्री सेव लाइफ। और गाइज, यहाँ पर और ज़्यादा ठंडा ठंडा हवा लग रहा है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो अभी चलते हैं घर, क्योंकि लाइट आ गई है तो और भी कुछ काम करने हैं हमें, तो चलो चलते हैं। सो गाइज, अभी हम घर आ गए हैं, बट देख सकते हैं मेरे घर पहुंचने से पहले ही लाइट चली गई। ये हाल है गांव का, गांव में लाइट की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। अगर थोड़ा से भी आप लाइट के भरोसे कोई काम करना चाहते हो तो ये मान के चलिए कि आपका काम बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे तो गाँव में लाइट का रूल 18 घंटे के आसपास है, बट कितनी देर रहती है ये तो आप देख ही सकते हैं, और कब आती है कब जाती है इसके बारे में तो क्या ही कहना। सो गाइज, अभी बज रहे हैं 4:00 और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद फाइनली लाइट अभी आ चुकी है। तो सबसे पहले अपने लैपटॉप को चार्ज लगाते हैं, बिकॉज अगर लैपटॉप चार्ज नहीं होगा तो हमारा वीडियो भी एडिट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं लैपटॉप को चार्ज लगाते हैं। तो गाइज, अभी बज रहे हैं 9:00 और हमारा लैपटॉप फुल्ली चार्ज हो गया है। सो अभी हम चलते हैं डिनर करने के लिए। सो गाइज, अभी हम डिनर करके आ गए हैं और टाइम अभी 10:00 बज रहे हैं। गाइज, नवरात्रि में हमारे यहाँ 3 जगह मूर्तियाँ बैठाई गई थी और आज उनका विसर्जन है। गाइज, मूर्ति विसर्जन के लिए ले जाने से पहले तीनों मूर्तियों को एक साथ गाँव में घुमाया जाता है। सो अभी जब वो पल आएगा तो हम आपको एक छोटा सा क्लिप जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। गाइज, प्लान में कुछ चेंजेस है, गांव में सिर्फ एक ही मूर्ति घुमाई जा रही है, बाकी दो को गांव के बाहर से ही विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है। तो अभी एक क्लिप हमने शूट किया है, वो आपको दिखाते हैं।
तो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 12, तो अभी हमें इस वीडियो को एडिट करना है और अपलोड भी करना है। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।